हेलो एवरीवन, मैं सुचेता। वेलकम बैक टू एजुकेशन इन योर कंप्यूटर साइंस क्लास। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग आवर ऑल द प्रीवियस वीडियोस। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। What are the functional components? हम history और generation के बारे में तो पढ़ लिए। computer का कुछ parts मैं आपको brief में बताई थी। keyboard, mouse, CPU, etc. In brief, आपको एक brief idea मिला था। आज हम पूरा units के बारे में पढ़ेंगे। computer actually कैसे काम करता है, ठीक है? So, basically, computer system हम बोलेंगे, व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम? दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म्स योर कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज हार्डवेयर? जो भी फिजिकल पार्ट्स आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू एक्सेट्रा, दीज आर ऑल फिजिकल पार्ट्स। सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द प्रोग्रामिंग पार्ट, ए सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है? हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, योर ब्राउजर, जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्च करते हो, काम करते हो। सो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन गया। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के होते हुए हम कैसे कंप्यूटर फंक्शन करते हैं, आपको पहले क्लास में मैं बताई थी। दैट इज आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये बेसिक फंक्शनैलिटीज है एक कंप्यूटर सिस्टम का। सो व्हाट इज इनपुट? डू यू रिमेम्बर? इनपुट इज ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा और इंस्ट्रक्शंस दैट वी सप्लाई टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट। सो इनपुट से हमारा आया इनपुट। कैसे हम डाटा देंगे? हमको कोई फिजिकल कंपोनेंट्स चाहिए। हम कीबोर्ड के जरिए देंगे, माउस के जरिए देंगे। सो ये जो कीबोर्ड और माउस है, ये है इनपुट डिवाइस एंड द होल इंटरफेस वेयर दिस इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस आर ऑपरेटिंग आर कॉल्ड, इज कॉल्ड इनपुट यूनिट, ठीक है? सिमिलरली डाटा लेने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा थ्रू हिज डिवाइस, सीपीयू और प्रोसेसर, ओके? सो दैट द प्रोसेसर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस एंड द इंटरफेस थ्रू व्हिच इट वर्क्स इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। सिमिलरली आउटपुट, द रिजल्ट दैट वी गट आफ्टर द प्रोसेसिंग आवर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट एंड द डिवाइसेस वी सप्लाई आउटपुट टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस।
जो यूनिट के थ्रू और जो इंटरफेस के थ्रू हमको आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइसेस में, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, हम उनको बोलेंगे आउटपुट यूनिट। सो ये जो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ये तीनों को मिला के है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी। ठीक है, सो हम इन डिटेल पढ़ते हैं। आपको कुछ कुछ आप बेसिक कीवर्ड्स अभी सुने, कुछ इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। अभी इनपुट यूनिट, दिस इज इनपुट यूनिट। नेक्स्ट, सो फंक्शनल कंपोनेंट्स पे हमारा पहला पार्ट गया इनपुट यूनिट, फिर नंबर टू में प्रोसेसिंग यूनिट, सो प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, डाटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। द इंटरफेस थ्रू व्हिच डाटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू, सो आवर प्रोसेसर इज प्रोसेसर। ओके, देन आउटपुट, द इंटरफेस थ्रू व्हिच we get output is called output.
ओके सो दीज आर सर्टेन टर्म्स, ये है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो आउटपुट यूनिट्स, अभी प्रोसेसिंग यूनिट का सीपीयू और आउटपुट यूनिट का कुछ टर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो फंक्शनल कंपोनेंट्स है इसमें मेन पार्ट है सीपीयू का, एक्चुअली काम कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, हमको आउटपुट कैसे मिलता है, ये जानने के लिए हमको सीपीयू का ऑपरेशन डिटेल में जानना पड़ेगा। सो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज आवर इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से हम डाटा सप्लाई किए, वो पता है कौन सी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। हम कंप्यूटर को कुछ नंबर्स दिए, कुछ अल्फाबेट्स दिए, कुछ नेट में सर्च करें, वो सारे हमारे लैंग्वेज में होता है, जो लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, पर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। व्हिच लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इट अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के थ्रू हम जो भी डाटा देंगे हमारी लैंग्वेज में देंगे। सो वी फीड द डाटा टू सीपीयू, रिसीव सीपीयू का फर्स्ट पार्ट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, देन रजिस्टर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी रजिस्टर, देन कंट्रोल यूनिट, ओके। फिर आफ्टर प्रोसेसिंग सीपीयू प्रोवाइड्स द डाटा टू मेमोरी। इनपुट यूनिट में हम जो डाटा दिए इनपुट डिवाइस के थ्रू, पहले वो जाएगा मेमोरी रजिस्टर के पास, ठीक है। ये एक टेम्पररी यूनिट है, कुछ टाइम के लिए मेमोरी के पास डाटा रहेगा, फिर सीपीयू उसको लेगा प्रोसेसिंग करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आर गिवन टू साइड टू एरोस। सो मेमोरी से ये इनपुट गया, प्रोसेसिंग हुआ। अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? ये हम जो भी डाटा दिए ये देखिएगा उसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या करना है ये करेगा। फिर या फिर लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, कोई टू डाटा, व्हेन वी आर सप्लाइंग टू सेट्स ऑफ डाटा, सपोज दो स्टूडेंट्स का मार्क हमको, सपोज एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, सो हमको ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो हम कंपेरिजन करते हैं, ग्रेड फाइनल करने के बाद कौन फर्स्ट है या कौन सेकंड है या कौन थर्ड है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू सेट्स और थ्री सेट्स ऑफ डाटा को। सो वैसे ही अगर वही टैक्स हम उसको देते हैं, ये लॉजिकल यूनिट ये कंपैरिजन का काम करता है। फिर वो जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेगा, डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस को ना देके मेमोरी में स्टोर करें। सो मेमोरी रजिस्टर का काम क्या है, इनिशियल इनपुट स्टोर करना कुछ ही समय के लिए, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद सीपीयू से वो प्रोसेस्ड डाटा या रिजल्ट अपने पास कुछ टाइम के लिए रखने के लिए। फिर जो प्रोसेस्ड रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, कौन सी यूनिट में, आउटपुट यूनिट, ठीक है। सो अभी हम ये तीनों, ये है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, हम ये तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ALU stands for arithmetic and logical unit.
control unit. So ALU number 1 operates all the mathematical calculations, does comparisons and makes the required decision true. This is true false. Is student 1's mark is greater than student 2's mark? Do student ka mark hai. Comparison karenge. So first ones may be either greater than that of the second student, maybe less than or maybe equal to. So such types of comparison and processing is done by ALU. Control unit is the main part of the processor. CPU ko hum bolenge aur microprocessor because our whole CPU is compressed or stored in a single chip. That's why CPU is also called microprocessor. ठीक है. So पहले आप शुरू से सोचिए, हम इनपुट डिवाइस में डाटा फीड किए, फिर मेमोरी में टेम्पररीली स्टोर हुआ, फिर ALU में अरिथमेटिक लॉजिकल डिसीजन हुआ, देन अगेन इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर ए सर्टेन पीरियड, देन इट इज पास्ड टू द आउटपुट डिवाइसेस. सो दिस होल ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय योर कंट्रोल यूनिट. सो जब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमको डाटा मिलता है, मैं कौन से लैंग्वेज में बोली थी हम डाटा देते हैं? Is it machinery language, or binary language or human language? It is in the format of human language. So human language को machine language में decode कौन करता है? Control unit. Decodes human language to binary. Binary means 0 or 1. Computer system understands everything in the form of 0 and 1. कोई भी आप डाटा दो, कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी दो, ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा कंट्रोल लिमिट. ठीक है, फिर मेमोरी में स्टोर करेगा, ये भी ये कंट्रोल करेगा, आउटपुट यूनिट को सप्लाई करेगा, ये भी कंट्रोल करेगा. ठीक है, और जितने सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब फिजिकल डिवाइसेस से स्टार्टिंग फ्रॉम कीबोर्ड माउस मॉनिटर एक्सेट्रा whether they are connected properly to the CPU or not. Electric signals is passing through it, them, passing to them, it is also controlled by control unit. Whole operation is controlled by your control unit. ठीक है, अभी हम देखेंगे मेमोरी रजिस्टर. Memory register is a temporary unit to store initial input and the processed result for a temporary period. There are many types of registers in CPU. ठीक है, बहुत सारे registers हैं, हम डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे और भी chapters हैं इसके ऊपर. So बहुत सारे memory registers हैं, इसका बहुत capacity बहुत सारे forms में आता है, जैसे 16-bit प्रोसेसर, 32-bit प्रोसेसर, 64-bit प्रोसेसर लाइक्स. सो इसी से हमारी मेमोरी का कैपेसिटी डिटरमाइन होता है, हम कितना डाटा हमारी हार्ड डिस्क में हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज कर सकते हैं. ठीक है, सो ये गया हमारा प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग यूनिट. अभी हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट. सो आउटपुट यूनिट इज द इंटरफेस ऑन विच द प्रोसेसर सप्लाइज द रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर द यूजर. आउटपुट यूनिट के थ्रू हमको सीपीयू के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा हम जो काम करने के लिए बोले थे, जो डाटा डाले थे, उसका रिजल्ट हमको आउटपुट यूनिट के थ्रू मिलता है. So output unit consists of some output devices. जैसे monitor, printer, plotter,
स्पीकर, ठीक है, स्पीकर इज फॉर ऑडियो आउटपुट एंड दीज आर फॉर रिटेन और रिटेन इंफॉर्मेशन आउटपुट. मॉनिटर इज द बेसिक आउटपुट यूनिट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द व्हाट आर द बेसिक इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड एंड माउस. थ्रू कीबोर्ड व्हिच टाइप ऑफ डाटा वी आर सप्लाइंग, कैन यू रिमेम्बर? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CUI, दैट इज कैरेक्टर डाटा. जो भी कैरेक्टर डाटा है, अल्फाबेटो नंबर्स हो, हम कीबोर्ड के थ्रू डालते हैं. माउस के थ्रू ग्राफिकल डाटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. आई थिंक यू ऑल रिमेम्बर इट फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस. सो मॉनिटर कीबोर्ड और माउस जैसे बेसिक इनपुट डिवाइस है. मतलब हमारे पास ट्रैकबॉल है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, पर हम बेसिक जब शुरुआत इनिशियल स्टेज में काम करना शुरू करेंगे, हमको कीबोर्ड ही चाहिए, माउस ही चाहिए. वैसे हमारे मॉनिटर में हम जो भी प्रोसेसिंग करेंगे, हमको आउटपुट कहाँ पर दिखाई देता है? मॉनिटर में. पर इट इज द टेम्पररी आउटपुट स्टोरेज डिवाइस. मॉनिटर में जो भी हमको डाटा मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो कुछ ही सेकेंड के लिए. जब हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे, नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा, वो इरेज हो जाता है. सो इट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है. प्रिंटर एंड मॉनिटर, जो भी आउटपुट मॉनिटर में डिस्प्ले होते हैं, हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, बिकॉज इट इज टेम्पोररी इन नेचर. ओके, देन प्रिंटर, हमको कोई डाटा या हमारा जो भी आउटपुट, हमारा मार्कशीट या कोई भी बुक्स का हम प्रिंट आउट निकाले, हम प्रिंटर के थ्रू ही करेंगे. दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, बिकॉज इट इज स्टोर फॉर फ्यूचर यूज. हम फ्यूचर में कभी भी वो पेपर्स को यूज कर सकते हैं. सो द आउटपुट डिस्प्लेड बाय प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. ओके, सो ऑल ये जहां भी हम पढ़े आज क्लास में, ऑल दिस इंक्लूड इन द पार्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. सो आज के लिए हम क्लास को यही वाइंड अप करते हैं. अगर आपको क्लास पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और आपके पास कोई क्वेरीज हो ये चैप्टर को लेके, या फिर कोई भी वीडियोस को लेके आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो फिर हमको मेल कीजिए. हमारा ईमेल आईडी है education2020@gmail.com. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट दिस पीरियड एंड कीप सपोर्टिंग अस. Keep watching Education. Thank you.